बातें हमारे देश में लंबे अरसे से चर्चा चली है कि चुनावों में काला धन एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले इसके लिए कुछ करना चाहिए। चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में खर्च तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टियां करती है, कैंडिडेट भी करते हैं और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टियां लेती हैं। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए, एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था। रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है। वैसे हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था, पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था। आज जो लोग उलट फुलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था, पार्लियामेंट डिबेट देख लीजिए। हमने कैसे कैसे काम किया, जैसे 1000 और 2000 के नोट खत्म कर दिए। चुनाव में वही बड़े बड़े मात्रा में ट्रैवलिंग करते हैं, क्यों कि ये काला धन खत्म हो। हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपये तक पॉलिटिकल पार्टियां कैश ले सकती हैं। मैंने कानून बनाकर नियम बना करके 20,000 को 2,500 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये कैश वाला कारोबार चले। फिर मैंने कहा है कि इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड कि जो पार्टी अपना सीक्रेसी मेंटेन करना चाहती है। होता था क्या, जैसे हम पहले बीजेपी में चेक से पैसा लेंगे तय किया तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के कहें साहब हम चेक से दे ही नहीं सकते। हम कहें क्यों नहीं दे सकते, बोले हम चेक से देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे तो जो सरकार है वो देखेगी कि ये विपक्ष को इतना पैसा दिया तो हमें तो वो परेशान करेंगे। तो बोले हम तो पैसे देने के लिए तैयार है लेकिन चेक से नहीं देंगे। तो मुझे याद है हमारे 90 के दशक में जो चुनाव में हमको बड़ी दिक्कत आई थी, पैसे नहीं थे हमारे पास और हम नियम लगा के बैठे थे कि हम चेक से लेंगे। देने वाले देने को तैयार थे, चेक से देने की इनकी हिम्मत नहीं थी। तो ये सारी चीजों का मुझे पता था। तो मैंने कहा भाई, तो हमने कहा भाई ऐसा है, अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो मैं ये कभी नहीं कहता हूं निर्णय में कोई कमी नहीं होती है, निर्णय को चर्चा कर सीखते हैं सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूं सब लोग पछताएंगे, जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। जब उन लोगों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो CBI का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं इसीलिए ये ANI को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं सुनो, ये पकड़े गए हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आप उनकी आंखों में देखें, मैंने देखा नहीं है मगर अगर आप उनके ANI के इंटरव्यू में उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको वो झलक दिख जाएगी। राहुल जी कह रहे हैं जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं ना वो कहेंगे बाद में पछताएंगे इस स्कीम के लिए। नहीं, विरोध की बात नहीं है। देखिए आप प्रधानमंत्री से कहिए कि वो ये समझा दें कि एक दिन CBI की इंक्वायरी शुरू होती है उसी के एकदम बाद उनको पैसा मिलता है और उसी के एकदम बाद CBI इंक्वायरी बंद हो जाती है, पहले ये समझाएं। दूसरी बात, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंपनी पैसा देती है उसके एकदम बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये भी प्रधानमंत्री समझा दें। सब लोग पछताएंगे, जब बात में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे।
अब देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी विशेषता थी, कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए हैं, उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3000 डोनर है उसमें सिर्फ 26, और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको? अगर बॉन्ड खरीदा लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता यह है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली, 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली अगर पूरे जोड़े जाएं तो। हाँ, मैं ये 16 कंपनी जिसका ईडी सीबीआई कोई ना कोई उस समय एक्शन भी हुआ और बॉन्ड भी निकला, 37% अमाउंट बीजेपी ने, 63 ऑपोजिशन को। क्या ईडी रेड करे और ऑपोजिशन को डोनेशन देने का कार्यक्रम बंद करे? क्या बीजेपी ऐसा करेगी? इसका मतलब कि 63% पैसा विपक्ष के पास जाए और आप आरोप हम पर लगाए, लेकिन उनको गोलमोल बोलना है और भाग जाना है।